क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो सिलेबस से हटा हुआ है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहां देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। एक नंबर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइलाइट बोले थे सिंगल बॉन्ड एक्स बोले थे, एस के जगह सी एल बी आर आई हुआ है इस तरह से। दूसरा हम लोग लिखते थे फॉर्मूला, फॉर्मूला आज के बाद से इस तरह से सबने सिंगल बॉन्ड बोले थे, केवल जहां सिंगल बॉन्ड हुआ है वहां आर जोड़ देंगे तो फॉर्मूला तैयार, कुछ भी रटना नहीं है। इसका फॉर्मूला हो गया आर एक्स कंप्लीट। और भी मन में आओ कि और बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, बढ़ा लेंगे। आर का वैल्यू जानते हैं कि सी एन एच टू एन प्लस वन होता है एक्स, इतनी बढ़ाने कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विद्यार्थी जान गए कि आर कितना होता है, यह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बता दिए। तीसरा आई यू पी एस सी नेम, आई यू पी एस सी नेम लिखने का तरीका, इसमें जो है हम लोग ना नेम लिखने के लिए याद रखेंगे हैलो अल्केन हो जाएगा, हर कम पायरेट्स की आवश्यकता है हैलो अल्केन। यहां पर एक शब्द लिखे हैलो, हैलो का मतलब क्या होगा, हैलो हैलो मींस यहां सीएल रहेगा तो सीएल के लिए क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो। बीआर रहेगा तो बीआर के लिए ब्रोमो लिख देंगे। आई रहेगा तो आई के लिए आईडो लिख देंगे इस तरह से। अब हम लोग यह कल के ही समान यहां ये लिख रहे हैं, तीन तरह का बताना है। यहां हम लिख दिए यह मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम और यहां कॉमन नेम लिख रहे हैं। यहां भी आएंगे, एक में लिख दिए आर का सबसे छोटा वैल्यू, हम देख लिखे थे मिथाइल था सी एच थ्री, अल्काइल ग्रुप का जहां डिफिनेशन दिए थे ऐसे लिख दिए सी एच थ्री सी एल। स्ट्रक्चर किसी ने कहा इसे बना देंगे एच एच, जब मिथेन का बनाए थे वैल्यू यहाँ पर केवल सी एल, तो इसका नाम हम बोले हैलो, हैलो में सी एल है तो इसका नाम हो गया क्लोरो। और इसमें कार्बन की संख्या एक है तो एक के पेरेंट्स का नाम मीथेन है तो यह हो गया क्लोरोमीथेन। इसमें देखेंगे कि कॉमन नाम यह मिथाइल हो गया CH3 के लिए, इधर क्लोराइड, कॉमन नाम हो गया इसका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे, दूसरा देखेंगे यह अब आर का उसके बाद वाला वैल्यू होता था C2H5 इस तरह से सी एल, तो हम लिखते हैं दो सी एल इस तरह से सी एल। यह स्ट्रक्चर हो गया जैसे इथेन का बनाए तो वैसे ही बनाए, एक के जगह लिख दिए सी एल, तो हैलो अल्केन, हैलो माने सी एल है तो सी एल के लिए हमारा हो गया क्लोरो। अब इसमें दो कार्बन है तो दो के पेरेंट्स का नाम था इथेन, क्लोरो इथेन इसका नेम हो गया। अब इसका कॉमन नाम कोई कॉमन नेम कोई कह रहा है तो यह हो गया दो वाला का नाम बोले थे इथाइल, इधर वाला के लिए क्लोराइड तो यह हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। आगे देखते हैं इस तरह से तीसरा था अल्काइल ग्रुप में कितना था C3H7 था Cl, तीन ऐसे C बना दिए H H H H H H H C। अब इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब कोई कॉमन नाम कह दे तो क्या हो गया यह प्रोपाइल है, इधर से क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड,
ट्रूपाइल क्लोराइड हो गया। चौथा C4H9CO चौथा। इस तरह से चार कार्बन पहले खींचते हैं Cl H H H H H H H। अब यहां हो गया इस क्लोरो, अब इसका नाम पेरेंट्स का नाम ब्यूटेन हो गया, क्लोरोब्यूटेन इसका नाम लगा देंगे, क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नाम कितना हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहां पर स्टूडेंट को अपने से लिखने से लिखने चाहिए, इसके बाद वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H11CN C6H13CN और उसका नाम पांच पांच सात का अपने से लिख लेना चाहिए। अब स्वयं जो है विद्यार्थी इसके बाद लिखे फिर इसका देखेंगे। अब दूसरा बदलना है, यहां पर बी करते रहे बी माने दूसरा बना रहे, दूसरा बी कर दिए, कुछ हम इसमें कर नहीं रहे हैं, यहां पर का चीज बदल दिए पहला का, अब फिर बदल दिया यह डी, यहां देखेंगे सर। अब यहां पर यह हो गया यह सी, यह बी आर कर दिए, यहां बी आर कर दिए, यहां बी आर कर दिए, यहां बी आर कर दिए, ऐसे कंपाउंड हो दूसरा सेट हो गया, यहां बी आर कर दिए, यहां बी आर कर दिए, बी आर कर दिए, बी आर कर दिए, दूसरे का इसमें भी चार हो गया। अब इसका नाम यहां लिखना होगा तो लिख देंगे ब्रोमो, ब्रोमो मिथेन हो गया, आइए मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसी तरह से यह हो गया ब्रोमो इथेन हो गया, इथेन हो गया, यह मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसका नाम ब्रोमो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, यह प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, यहां पर इसका नाम हो गया प्रोपोब्यूटेन, ब्रोमो ब्रोमोब्यूटेन, यहां ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, एक्सेप्ट यह हो गया। इसमें भी दो अपने से फिर लिख करके प्रैक्टिस कर देना चाहिए, इसके बाद ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा, ब्रोमो ऑक्टेन हो जाएगा, ब्रोमो नॉनेन हो जाएगा, ब्रोमो डेकेन हो जाएगा, दस अपने से प्रैक्टिस करना चाहिए। तब विद्यार्थी आप स्विंग करें फिर देखेंगे इसको फिर बदलना है, इसके बाद फिर इसमें सी कर दिए, सपोज कीजिए कि इसको फिर हम बदल रहे हैं, यहां देखेंगे फिर यहां आई कर दिए आई, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आइडो, आइडो मिथेन या मिथाइल आयोडाइड, यहां आई कर दिए, सब में आई आई कर दिए, यहां आई हो गया, आई हो गया, आई हो गया, इसका नाम हो गया आइडो इथेन, आइडो इथेन मिथाइल आयोडाइड, यहां हो गया आइडो प्रोपेन प्रोपाइल आयोडाइड, यह हम लिखते हैं यहां आइडो ब्यूटेन, यहां ब्यूटाइल आयोडाइड, इस तरह से। इसी तरह से इसमें भी दस बनाया जा सकता है, तो ये हाईलाइट समाप्त हुआ, उसके बाद और कोहल दिखाते हैं।
और उसके बाद हम लोग और बहुत फंक्शनल ग्रुप देखे थे एल्डिहाइड हैलाइड के बाद। इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या देखे थे, फंक्शनल ग्रुप था ग्रुप सिंगल बॉन्ड ओएच था, दूसरा हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला का पूरा पूरा किताब वाले लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लिखे कम से कम भाषा दिखाई पड़े, विद्यार्थी का दिमाग भारी नहीं लगे, इसलिए फॉर्मूला बनाने के लिए तरीका हमने क्या बताया था, इसमें केवल आर जोड़ देंगे, आर ओ एच, आर का वैल्यू वन करे तो वही सी एन एच टू एन फाइव प्लस सी एन एच टू एन प्लस वन किया जा सकता है, क्यों उतना दिमाग पर लोड ले, बस हो गया, आप सब लोग जान गए अब काबिल हो गए हैं, आगे चलेंगे। आई यू पी एस सी नेम, पी एस सी नेम इसके लिए देखेंगे, हम बोले हैं कि हम पेरेंट्स का खोजते हैं, यह किसी भी कंपाउंड का इसमें नाम लिखने के लिए पेरेंट्स को खोजते हैं, पेरेंट्स है क्या है, ऑल्केन को पेरेंट्स कहते हैं, पहले ही बता दिए थे, इसीलिए कहे थे कि ऑल्केन शब्द पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके बाप माँ वही है, तो ऑल्केन को हम लोग खोज लिए, इस तरह से ऑल्केन हमको मिल गया। ऑल्केन में के ई को हटा दीजिएगा, नहीं तो मिटा दीजिएगा इस तरह से, इसमें ओल जोड़ देंगे, अल्कोहल का लास्ट वाला है ओल, इसका नाम हो गया अल्केनॉल, अल्केनॉल आप जैसे भी पढ़ सके, अल्केनॉल पढ़िए, अल्केनॉल पढ़िए, लेकिन स्पेलिंग पर ध्यान रखेंगे, ओएल है, यूपी वाले सिंपल वे में सीधे पढ़ते हैं अल्केनॉल कहते हैं, जैसे इसका इसमें भी मोलेक्युलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आई यू पी एस सी नेम, यहां हो गया कॉमन नेम, देखेंगे अब आपका सबसे छोटा वैल्यू बोले थे आप अल्काइल ग्रुप था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल ऑक्टाइल ऐसे बताए हुए थे, तो सबसे छोटा वैल्यू था CH3 और तब OH जोड़ दिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए OH H H H, इसमें एक कार्बन था मिथेन, ओएल जोड़ दीजिए, इसका नाम क्या हो गया मिथेनॉल, कॉमन नाम इधर मिथाइल इधर अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। यहां देखिए दूसरा देखेंगे आपका, उसके बाद वाला वैल्यू था C2H5OH, या उस फॉर्मूला में बैठा लेंगे आपका वैल्यू CnH2n वाला पर, इस तरह से हो गया दो बनाए एच 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 एच, यह दो के पेरेंट्स का नाम इथेन था, तो इथेनॉल लिख दिए और जोड़ कर पढ़ लिए इथेनॉल हो गया, और इसका नाम दो वाला का कॉमन नाम इथाइल कहेंगे इधर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। आगे मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना है, तीसरा था इसमें प्रोपाइल C3H7 था OH, तीन कार्बन बना लेंगे OH यहां लिख दिए शेष पर H H H H H H, इसके पेरेंट्स का नाम प्रोपेन था, प्रोपेन लिखिए पहले प्रोपेन, लास्ट में मत लिखे OH जोड़े थे प्रोपेन और हो गया नाम, और कॉमन नाम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। चौथा हो गया हम लोग का C4H9OH, यह कार्बन चार बना दीजिए H H H सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड एच जोड़ देंगे H H OH लिख दी, इसका पेरेंट्स का नाम ब्यूटेन था, तो इसमें ओएल जोड़ देंगे ब्यूटेन, ई हटा कर ओएल जोड़ेंगे पढ़ेंगे ब्यूटेनॉल, कॉमन नाम इसका हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, अब अपने से बनाएंगे, अब इसके बाद पेंटेन था तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनल और डेकेनॉल, कॉमन नाम वही हो जाएगा पेंटाइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल,
साइन अल्कोहल एंड सो ऑन। अपने से भी चाहे तो अभी बना सकते हैं, 11 तक आइएगा तो 100 बनाना सिखा देंगे। यहाँ देखेंगे अब इसके बाद हम लोग ऑल्डिहाइड पढ़ेंगे, समय बचा होगा तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज कल कल बताएंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग अल्कोहल के बाद ऑल्डिहाइड बताए थे, इसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से बोले थे, स्ट्रक्चर में लिखेंगे किताबी लैंग्वेज नहीं, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड एच। फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाने के लिए एक तरीका हम बताए हैं कि यहाँ केवल आर जोड़ देंगे, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच, फॉर्मूला तैयार। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, जहां फेयर फेयर इसमें आर के जब आर नहीं लिखेंगे, पहले एच लिखेंगे तो बार लिखेंगे, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ आर लेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका हो गया अल्केन, और अल्केन जो सब था हरदम जो है पेरेंट को खोजते हैं, साइन आउट करते हैं पेरेंट, तो इसमें भी ई हटा करके जहां ओल जोड़ते थे इसमें ए जोड़ देंगे, इस तरह से अल्केनाल, इसको भी पढ़िए या अल्केनल पढ़े, स्पेलिंग को बढ़िया से देख लेंगे कि यहाँ ये लिखा है कि ए लिखा है, ऑल्डिहाइड है तो ए, ऑल्डिहाइड में का पहला दोनों लेटर है ए, यहाँ ध्यान देंगे अब सभी लोग। हम पढ़े हैं कि पहले आर नहीं जोड़ेंगे, पहले एच जोड़ेंगे, तो एक ऐसे तैयार करेंगे एच सी डी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, इसका स्ट्रक्चर भी वही हो गया एच। इसका आईयूपीएसी नाम, इसमें नेम जो है मिलाएंगे कि इसमें कार्बन कितना है एक, एक कार्बन के पेरेंट्स का नाम था, बाप के नाम था इसका मीथेन, इस तरह से मीथेन मीथेन लिख दिए, ई हटाए एक जोड़ दीजिए, इसका नाम हो गया मीथेनॉल या मीथेनॉल भी कहिए, लेकिन स्पेलिंग एल लिखेंगे यहाँ। कॉमन नाम इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ देखेंगे। दूसरा देखिए, अब आपका सबसे छोटा वैल्यू जो हम जानते हैं लिख देंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर अब ऐसे बना देंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, इस तरह से एच एच एच। यहाँ काउंट करेंगे कितने कार्बन है, दो, दो के पेरेंट का नाम पहले हम लोग जानते हैं इथेन होता है, इथेन ई हटा कर एच जोड़ कर पढ़िए इथेनल, इसका नाम हो गया इथेनल। कॉमन नाम एसीटल्डिहाइड होता है, एसीटल्डिहाइड हो गया। अब मान लेते हैं कि तीसरा देखिए, इसके बाद आपके वैल्यू सी एच थ्री के बाद सी टू एच फाइव होता था, सी टू एच फाइव अल्काइल ग्रुप का जहां डिफिनेशन दिए थे सी टू एच फाइव, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा देंगे सी डबल बॉन्ड एच, यहाँ दो कार्बन था तो दो पहले इसे बढ़ा दीजिए एच एच लिख दीजिए, अपने आप को अब पांच के बराबर हो जाएगा एच, क्या हो गया। अब इसके तीन कार्बन है, एक दो तीन है, तीन के पेरेंट्स का नाम क्या था, प्रोपेनल, प्रोपेन आई एन जोड़ दीजिए प्रोपेनल हो गया। कॉमन नाम ही लिखना है तो प्रोपल्डिहाइड, प्रोपल्डिहाइड इसमें ऑल्डिहाइड प्रोप लिख के ऑल्डिहाइड को जोड़ देना, प्रोपल्डिहाइड प्रोपल्डिहाइड, इस तरह से किसी को मन में आया कि एक और बढ़ाएंगे तो सी थ्री एच सेबल कर दिया, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरह का लिखे सी डबल बॉन्ड एच, तीन वो इधर बढ़ा था तो तीन कार्बन पहले बढ़ा देंगे एच 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 एच। अब जोड़े तो कार्बन इसमें कितना हो गया फोर, फोर के पेरेंट्स का नाम था ब्यूटेन, ब्यूटेन एच जोड़ कर पढ़ेंगे ब्यूटेनल तैयार हो गया। अब इसका नाम कॉमन नाम ब्यूट इसमें का ले लेंगे, ब्यूट और उसमें जोड़ दीजिए एल्डिहाइड, ब्यूटल्डिहाइड, ब्यूटल्डिहाइड ब्यूट उसमें का बच गया जोड़ेंगे एल्डिहाइड। इसके बाद और बनाने का मन करे तो यहाँ पर सी फोर एच नाइन हो जाएगा, यहाँ पर आइएगा तो पांच हो जाएगा पेंटेनॉल पेंटेनॉल्डिहाइड, हेक्सेनॉल हेक्सेनॉल्डिहाइड, हेप्टेनॉल हेप्टेनॉल्डिहाइड, ऑक्टेनॉल ऑक्टेनॉल्डिहाइड, इस तरह से अपने से भी 8-10 बना लेना चाहिए विद्यार्थियों का। आज इतना ही पर रोक देते हैं, अगले दिन शेष बताएंगे सभी लोगों को।